आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल दो वो तुरंत ही वायरल हो जाता है। बिना उसकी सच्चाई जाने लोग उसे शेयर भी करने लग जाते हैं। खासकर भारत में धर्म को लेकर कई तरह के अंधविश्वास हैं, जिसके कारण लोग कुछ तस्वीरों को शेयर करने लग जाते हैं। इन तस्वीरों को शेयर और पोस्ट करने का भी एक समय होता है। जिस देवी देवता का त्योहार आने वाला होता है उसके एक या दो महीने पहले से ये धंधा शुरू हो जाता है। लोग इसके जरिए खूब सारे पैसे भी कमाने लगते हैं। इन दिनों सावन का महीना चल रहा था और इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। ये तस्वीर बेंगलोर के कैंट क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें एक पांच मुंह वाले सांप की फोटो है। इसके साथ लिखा है, इसे कम से कम पांच लोगों को फॉरवर्ड कर दो। अब सवाल ये है कि पांच लोगों को ही क्यों? पहले चित्र देखिए, यहाँ धर्म के नाम पर अविश्वास फैलाने वाले कुचालियों की कुचाल है। दो मुंह वाले सांप जरूर पाए गए हैं, जो प्रकृति के विद्रूप परिहास के परिणाम है। मगर यह पंचमुखी तो श्रावण माह के महात्म्य को लक्षित कर श्रद्धालुओं की आंखों को नतमस्तक करने के लिए ही है। यह बनावटी प्लास्टिक का सांप है, ध्यान से देखिए, कारीगर की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल धामन सांप से मिला दिया है। वाले सांप जरूर पाए गए हैं, जो प्रकृति के विद्रूप परिहास के परिणाम है। मगर यह पंचमुखी तो श्रावण माह के महात्म्य को लक्षित कर श्रद्धालुओं की आंखों को नतमस्तक करने के लिए ही है। यह बनावटी प्लास्टिक का सांप है, ध्यान से देखिए, कारीगर की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल धामन सांप से मिला दिया है, ध्यान से देखिए, कारीगर की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल धामन सांप से मिला दिया है, सांप से मिला दिया है।